तो शैतान तो इंसान के पीछे लगा हुआ है, उसे देखा कि ये रात फजीलत वाली आने वाली है, तो इस फजीलत वाली रात में मुसलमान मुतवज्जे होंगे, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे, इबादतें करेंगे, दुआएं मांगेंगे, तो मेरा तो घाटा हो गया। लिहाजा उसने ऐसे ऐसे तरीके इजाद करवा दिए कि लोग जो है इबादत से हटकर उन तरीकों में लग जाए, और उनकी वजह से इस रात से जो फायदा उठाया जा सकता था उठा था, वो ना उठा था। क्या से तरीके गढ़ लिए कि भाई नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, शबे बारात का हलवा जरूर बताओ, वो नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, इबादत करो या ना करो, लेकिन हलवा पकाना जरूर फर्ज। अगर कोई न पकाए तो काबिले बराबर ढेले भाई, इसके घर तो बरात का हलवा भी नहीं पकता, ये बड़ा वहाबी है, ये जो है ऐसा कंजूस है, बकरी है, कि इसके घर में हलवा ही नहीं पकता। अब कोई खुदा का बंदा पूछे तो भाई हलवे का कहीं जिक्र कुरान में हदीस में साहबे किराम के तामुल में कहीं है कि भाई छह बरात के दिन हलवा करना चाहिए? ना कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ना साहबे किराम के अमल में कहीं इसका कोई दूर दूर कोई निशान नजर आता है, मगर यह हैरानी बात, और उसको फर्ज और वाजिब से ज्यादा जरूरी करार दो। कोई पूछे भाई हलवा ना पकाओ, ये बिदत है, अरे भाई हलवा पकाने में क्या है, हलवा कोई हराम चीज है? तो ये जवाब, अरे भाई हलवा हराम कोई चीज नहीं, रोज पकाओ, लेकिन शबे बारात को खास तौर पर हलवे के लिए मखसूस कर लेना और उसको फर्ज करार देना और वाजिब करार देना, कोई ना पकाए तो बलावत करना, ये अपनी तरफ से दीन में इजाफा है जो अल्लाह ताला को गवारा नहीं। तो एक तुझे शगुफा छोड़ दिया शैतान ने, दूसरा उससे ज्यादा खराब कि भाई शबे बारात में आतिशबाजी होनी चाहिए, अरे आज़ुबिल्ला जाइए, उसमें लाखों रुपया आग में जला दिया आतिशबाजी करने, आतिशबाजी हो रही है, और आप जानते हो कि इस आतिशबाजी ने जाने कितने बेगुनाहों की जान ली है। बोरी बाजार कराची का आज भी गवाह है इसी शबे बारात की आतिशबाजी की हलाकतों का गवाह है, कि किस तरह पूरा का पूरा बाजार जो है वो नजर आतिश हो गया, जलकर भस्म हो गया। अब फिर भी वो बात है कि ना कुरान में ना हदीस में ना साहबे किराम के तामुल में ना बुजुर्गाने दीन की वसीयतों में कहीं भी अपनी तरफ से शबे बारात के साथ आतिशबाजी का शगु पर छोड़ दिया। हलवा पकाना तो चलो भाई आम दिनों में जायज था, हलाल था, ये आतिशबाजी जो है तो आम दिनों में भी इस तरह आतिशबाजी करना कि जिसमें पैसे का जिया हो, जिसमें जाने जाए होने का अंदेशा हो, ये तो आम दिनों में हराम है। तो इस मुबारक रात में जिसमें अल्लाह ताला गुनाहों की मगफरत मांगने को फरमा रहे हैं, जिसमें दुआएं मांगने के फरमा रहे हैं, उसमें यह काम करना तो इतनी बड़ी बुरी बात। कुल्लू मोहदिन बिरा व कुल्लू बिरासिन दराला, हर नई बात जो इंसान दीन में पैदा करे वो बिराक है और हर बिरा गुमराह।